हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी से बनने वाले तमाम प्रश्नों को जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। साथियों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज में। पहला प्रश्न आपके सामने निकल कर आया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको विशेष रूप ये ऑप्शन आपके सामने दिखेंगे साथियों, याद रखिएगा, है ना। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे पृथ्वी जो अपनी धुरी किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। या आप ग्लोब समझ सकते हैं तो ये आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है क्या आपकी पृथ्वी साथियों, क्लियर है। वही हम बात कर रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है। संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे हैं साथियों, संपूर्ण अर्थ की बात कर रहे हैं। तो साथियों याद रखिएगा, ये आप सपोज समझ लीजिए पूरा कंप्लीट ये अर्थ है आपका, और इसमें से आपका जो 71% है आपका क्या है, इसमें 71% भाग पर पृथ्वी के जल है और 29% भाग पर क्या है साथियों, स्थलीय भाग है यानी जमीनी स्थल है, जमीन है साथियों, क्लियर है। तो आपको याद रखना है पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है। तो आपको याद रखना है साथियों, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है साथियों। 71% क्या है पृथ्वी के भाग पर, 71% जल है और 29% भाग पर भूभाग है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस स्थिति को अपसौर की स्थिति होती है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन पूछा गया है किस स्थिति को अपसौर की स्थिति होती है। तो 4 जुलाई आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, 4 जुलाई जो है साथियों ये अपसौर की स्थिति है। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी का विषुवती व्यास कितना होता है। तो पृथ्वी का विषुवती जो व्यास है साथियों, विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा, ये कैलकुलेट आप ये जरूर याद रखेंगे, 12,756 किलोमीटर, तथा इसका ध्रुवीय जो व्यास होता है साथियों वो इसका होता है 12,714 किलोमीटर, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 है ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है साथियों। तो ऋतु का जो परिवर्तन होता है साथियों, विशेष रूप से आपको याद रखना है ऋतु परिवर्तन होता है किस गति के कारण होता है, वार्षिक जो गति होती है साथियों उसी के वार्षिक गति के कारण ही ऋतुओं का आना जाना होता है साथियों, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय पूरा करते हैं साथियों। तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। साथियों इस वीडियो में हम पृथ्वी से बनने वाले तमाम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है किस गति के कारण पृथ्वी में दिन और रात होता है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। तो याद रखिएगा घूर्णन गति के कारण होता है, किस गति के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं। तो परिक्रमण गति है ना, दोनों गतियां विशेष रूप से आपको याद रखना है, एक तो परिक्रमण गति से क्या होता है वर्ष बनते हैं, और इसके अलावा पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण होती है साथियों, क्लियर है। वहीं देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 16 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है साथियों, याद रखिएगा 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विशेष रूप से आपको याद रखना है 22 अप्रैल, है ना, 22 अप्रैल आपको याद रखना है पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है साथियों। तो 6 घंटे की बात कर रहे हैं साथियों, याद रखिएगा 6 घंटे प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, 6 घंटे का समय। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है साथियों। तो शुक्र ग्रह के समान है साथियों, याद रखिए आकार और बनावट की दृष्टि से शुक्र ग्रह के समान है पृथ्वी साथियों। वही हम बात कर रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पृथ्वी को नीला ग्रह किसके कारण कहा जाता है। तो पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति के कारण, पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। और संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है, आपको याद ही हो गया होगा 71%, है ना, और बचे हुए भाग पर क्या है, भूभाग है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं साथियों कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो ये याद रखना है प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ना साथियों, पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है
नोट कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है साथियों? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, याद रखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा साथियों। विशेष रूप से आपको याद रखना है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है साथियों? तो याद रखिएगा, ये कहलाता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर बोलते हैं साथियों। चंद्रमा विशेष रूप से आपको याद रखना है, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वहाँ पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है साथियों चंद्रमा को, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा जो है खुद की रोशनी नहीं है साथियों, ये सूर्य की रोशनी के कारण चमकता है साथियों। वही हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट देखिएगा, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो समुद्र में उठने वाला जो ज्वार भाटे की क्या वजह होती है? तो याद रखिएगा, अपेक्षित सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, जिसकी वजह से सूर्य और समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह बनता है, वजह का कारण बनता है साथियों। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है साथियों? तो टाइटेनियम आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 22 नंबर की देखिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? देखिए, पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा को देखते हैं साथियों, तो उसका 57% जो भाग है साथियों, वो हमको चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है साथियों, आप सभी ने देखा होगा साथियों। ये हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? याद रखिएगा, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा धरती की परिक्रमा और घूर्णन कितने दिनों में करता है साथियों? 27 दिन 8 घंटे में करता है, आपको याद रखना है। यहाँ बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है साथियों? तो ये आपको याद रखना है, लेप ट्रिनज पर्वत जो है साथियों, ये क्या है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है साथियों। यहाँ बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुँचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, याद रखिएगा, दुनिया में सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग, है ना, याद रखिएगा, रूस से थे। और इसके अलावा सर एडविन एल्टन, इनका भी नाम आपको याद रखना है साथ में, दोनों नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन साथियों। और जी हाँ साथियों, अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ, बेल आइकॉन को जरूर ऑन कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुँचने में सफलता प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा साथियों, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, नील आर्मस्ट्रांग की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा 21 जुलाई 1969, आपको याद रखना है, 1969 में चंद्रमा पर सफलता प्राप्त की थी, आपको याद रखना है कदम रखने में। वहीं अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11, अपोलो 11 का नाम याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश चक्र क्या है साथियों? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्से को बांटती है, ये क्या कहलाती है? प्रकाश चक्र कहलाती है साथियों। वहीं हम बात कर रहे हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो साथियों, इनका नाम आपको याद रखना है, किसने कहा था, कौन से वैज्ञानिक थे कि पृथ्वी है? तो याद रखिएगा, पाइथागोरस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे, इनकी प्रमेय भी है साथियों गणित में, बहुत बड़े गणितज्ञ थे साथियों, याद रखिएगा। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्तीय कक्षा कहा जाता है, याद रखिएगा, दीर्घवृत्तीय कक्षा कहा जाता है जिस कक्षा में पृथ्वी परिक्रमा करती है साथियों। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 31 नंबर की देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एप्साइट रेखा क्या है साथियों? अपशोरिक और अपशोरिक, है ना, अपशोरिक और अपशोरिक की बात कर रहे हैं, तो इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे ही क्या कहते हैं? एप्साइट रेखा कहते हैं साथियों, है ना। अपशोरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे अपशोरिक कहते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं अपशोरिक क्या है, तो जुलाई को पृथ्वी के सूर्य से कुछ दूरी चली जाती है, यहाँ पर याद रखिएगा, जुलाई की बात कर रहे हैं, तो जुलाई को पृथ्वी और सूर्य से कुछ दूरी में हो जाता है पृथ्वी और सूर्य, और इसके अलावा क्या हो कहलाता है, ये जो टाइम पीरियड होता है अपशोरिक कहलाता है साथियों। वही बात कर रहे हैं अक्षांश क्या है साथियों, तो अक्षांश विशेष रूप से आपको याद रखना है, यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है,
क्या होती है साथियों? काल्पनिक रेखाएं होती हैं साथियों, आपको याद रखना है। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं साथियों, है ना। वही हम बात कर रहे हैं जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। ये आप समझ सकते हैं, ये ग्लोब समझिए, ये पूर्व है ये पश्चिम। तो ये रेखा जो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? काल्पनिक रेखाएँ हैं, अक्षांश रेखाएँ कहलाती हैं साथियों। चलेगा, वहीं हम बात कर रहे हैं किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है साथियों। तो याद रखिएगा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जो है शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। आपने ग्लोब देखा होगा, ये इस टाइप से, आप मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। ये इस टाइप से, इसमें तीन रेखाएँ होती हैं, ये आप देख सकते हैं। ऊपर वाली कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये जीरो डिग्री अक्षांश होती है। क्या होती है? ये जीरो डिग्री अक्षांश होती है, आपको याद रखना है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और नीचे मकर रेखा होती है साथियों। क्लियर है? देशांतर रेखा क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। इस ग्लोब के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखिएगा, ये ग्लोब है आपका। इस ग्लोब में क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन देखिएगा। देशांतर की बात कर रहे हैं ना, तो देशांतर रेखा क्या होती हैं? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, आपने ये आड़ी रेखाएँ जो देखी होंगी ना आपने, उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखाएँ होती हैं ना, ये क्या कहलाती हैं? आपके देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तर से दक्षिण आड़ी जो खड़ी रेखाएँ होती हैं ग्लोब पर, वही क्या हैं? आपके देशांतर रेखाएँ साथियों। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं साथियों, किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के, यहाँ पर याद रखिए, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है, देशांतर रेखा के आधार पर साथियों। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं साथियों? गोरे कहा जाता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, विशेष रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो याद रखना है, जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की चमकती वजह से दिखाई नहीं पड़ती है साथियों, याद रखिएगा। सूर्य की चमकती वजह होती है, इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या जो होती है साथियों, अमावस्या के दिन जो होता है साथियों, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण का दिन माना जाता है साथियों। वही हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, तो विशेष रूप से आपको लाइन याद रखनी है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो ये सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, पूर्ण चंद्रग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा, पूर्णिमा आपको याद रखना है, पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण चंद्रग्रहण होता है साथियों। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने की बात कर रहे हैं साथियों, 6 महीने है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। यहाँ बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है साथियों, उत्तरी ध्रुव के दिन की स्थिति बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव, है ना। ये आपने ग्लोब देखा होगा, ये ग्लोब है आपका, यूँ समझिए, और इसमें ये उत्तरी ध्रुव है आपका, ये दक्षिणी ध्रुव है ना। तो ये आपको याद रखना रहेगा, 6 महीने का है ना, उत्तरी ध्रुव में कब होता है साथियों, कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं साथियों, दिन की बात कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 आपने सुना ही होगा, ये आप देख सकते हैं, 23.5 जो है आपका झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। सौरमंडल का एकमात्र किस ग्रह पर जीवन संभव है? सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, तो पृथ्वी आप सभी जानते होंगे, पृथ्वी पर जीवन ही संभव है, एकमात्र ग्रह साथियों। चलिएगा साथियों, आज का यह वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।